हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की जो आर्टिकल है एग्ज़ाम के व्यू से मस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। कुछ तो सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव व्यू से इम्पॉर्टेंट है और कुछ जब मल्टीपल चॉइस आ जाता है तो करेक्शन करने के लिए काफ़ी काम आते हैं। सो डिस्कस करते हैं। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के स्थायी समाधान हेतु विश्व व्यापार संगठन यानी WTO से आग्रह किया। ओके सो गाइस, WTO के बारे में मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। सो गैस यहाँ पे है तो इसको चर्चा इस पे कर लेते हैं। जो WTO है गाइस 1995 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, ठीक है। और एक बात बता दें कि जो WTO का स्थापना है वो गेट के स्थान पे हुआ था, GATT। गेट सिर्फ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में व्यापार को संचालित करने का रेगुलेशन पारित करता था, लेकिन जो WTO है, WTO इनके बीच के उलझनों को भी दूर करता है, एक दूसरे देश को सपोर्ट भी करता है, ठीक है। उनको मेजरमेंट करने का भी काम करता है, एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा में लाने का भी काम करता है, और एक दूसरे देश में स्थायी रूप से दूसरा देश व्यापार को संचालित कर सके, व्यापार को बढ़ा सके, ये भी काम करता है, ठीक है। जो कि गेट में सब सारी चीज़ें नहीं थीं, तो काफ़ी एक देश से दूसरे देश के प्रति काफ़ी द्वंद्वता बढ़ जा रहा था, तो उसके स्थान पर 1995 में यानी 1995 में WTO का यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया। ओके सो गाइस, PSH यानी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग क्या है? पब्लिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम का उपयोग ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन खरीदने, उसका भंडारण एवं वितरण करने हेतु किया जाता है। सो गाइज, अगर इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज़ इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स के बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। WTO के द्वारा ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स, ये जो बॉक्स हैं, हालांकि इसमें रेड बॉक्स का चर्चा नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। ये जो तीनों बॉक्स है, ये जो रेड लाइट होते हैं ना, सिग्नल्स, रेड जो रोड लाइट जो सिग्नल्स होते हैं, उन लाइटों के बेस पे इनका बेस तैयार किया गया है, ठीक है। जैसे रेड लाइट हो गया, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड, कोई परमिशन नहीं, बिल्कुल गाड़ियां जहाँ की होती वहीं पर रुक जाती हैं, ठीक है। यानी उसके अंतर्गत जो भी सब्सिडी आते हैं उन पे सब्सिडी गवर्नमेंट को देना ही नहीं है, बिल्कुल मनाही है। जो ग्रीन है, इसके अंतर्गत वो सब्सिडी आते हैं जिनको बंद नहीं किया जा सकता सरकार के द्वारा, और ये किसी भी समाज के पार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि उनको उद्देश्यों को पाने में काफ़ी सहयोगी होता है। जैसे कि खाद्य पदार्थ हो गए, ठीक है, खाद्य पदार्थ हो गया, शिक्षण संस्थान हो गए, रिसर्च हो गया, ठीक है। पर्यावरण के संतुलन के लिए अगर कोई एफर्ट किया जा रहा है तो उस बेस पे उन सब सब्सिडियों को दिया जाता है, उन सब्जेक्टों पे सब्सिडी दिया जाता है जो कि ग्रीन बॉक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। क्लियर। एम्बर बॉक्स, ठीक है, ये जो सब्सिडी होती है 1986 से 88 के बीच में जो विकसित देश हैं, ठीक है, उनको अपने कृषि उत्पादों के सब्सिडी को 5% तक लाना था और विकासशील को 10% तक लाना था किसी उत्पाद के सब्सिडी को, ठीक है। क्लियर। और हमारे जो ब्लू बॉक्स है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत वो सब्सिडी सारे आते हैं, ठीक है, सारे एम्बर्स वाले ही होते हैं, लेकिन इनको एक समय सीमा के बाद धीरे धीरे इनको कम करना होता है सब्सिडी को, ठीक है, अन्यथा हमारे जो औद्योगिक धंधे हैं वो प्रभावित हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी को एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ाया जा सकता, बल्कि उनको धीरे धीरे कम किया जाएगा, ठीक है, ताकि औद्योगिक धंधों ध्वस्त ना हो जाए, औद्योगिक धंधों को निराशा का सामना न करना पड़े, ठीक है। ये हमारे ब्लू बॉक्स होते हैं। क्लियर। सो गाइज, इस आर्टिकल में मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स, क्लियर हो गया, WTO हो गया, ठीक है। PSH हो गया। सो नेक्स्ट देखते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू प्रकोप की निगरानी एवं जांच के लिए प्रभावित राज्यों का दौरा करने हेतु केंद्रीय टीमों की नियुक्ति किया गया है। सो गाइज ये तो एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना आप देख लेना कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा है उनको बर्ड फ्लू भी कहते हैं, ठीक है। सो इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 प्रकार होते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो इसको हम देखते हैं विस्तार से, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस मानव और अनेक भिन्न भिन्न जानवरों को संक्रमित करता है। ठीक है, एक नए और बहुत अलग इन्फ्लुएंजा ए का उदय जो लोगों को संक्रमित करने की क्षमता के साथ मानव से मानव में संचारित हो सकता है, ठीक है। उससे इन्फ्लुएंजा महामारी हो सकती है। जो इन्फ्लुएंजा ए आया है ना, इससे जानवरों से मानव में और मानव से मानव में संक्रमण हो सकता है, ठीक है। ये जो इन्फ्लुएंजा ए है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा बी वायरस मनुष्यों के मध्य प्रसारित होता है और मौसमी महामारी का कारण बनता है, ठीक है। ये मनुष्यों के माध्यम से प्रसारित होता है और मौसमी महामारी का कारण बनता है। हाल ही के आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि इससे सील भी संक्रमित हो सकती हैं, ठीक है। यानी जो मछली सील आती है वो भी संक्रमित हो सकती है। इन्फ्लुएंजा सी वायरस मनुष्यों और सूकरों दोनों को संक्रमित कर सकते हैं, परंतु यह संक्रमण प्रायः हल्का होता है, संभवतः ही कभी सूचित हो पाता है। इन्फ्लुएंजा डी वायरस मुख्य रूप से मवेशियों को प्रभावित करता है और मनुष्य को संक्रमित करने या बीमारी के कारण के लिए नहीं जाना जाता। सो गाइज ये जो बी है, सी है और डी है, ये एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इन्फ्लुएंजा ये है, इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि मानव वायरस और अनेक भिन्न भिन्न जानवरों को संक्रमित करता है। एक नए और बहुत अलग इन्फ्लुएंजा का उदय है जो कि लोगों को संक्रमित करने की क्षमता के साथ मानव से मानव में संचारित हो सकता है, यानी काफ़ी डेंजर्ड इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा ए, ठीक है, जिसके कैटेगरी में बर्ड फ्लू आ रहा है, ठीक है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए समिति गठित करने का निर्णय किया है, ठीक है। सो गाइस इसको देख लेते हैं। समिति गठन का महत्व इस संदर्भ से परिलक्षित होता है कि स्थानीय लोगों के लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है ताकि इसकी विशिष्ट पहचान की रक्षा की जा सके, ठीक है। 6वीं अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के आदिवासी समुदायों को काफ़ी स्वायत्तता प्रदान करती है, साथ ही विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से वाय हस्तक्षेपों से उनकी भूमि अधिकारों की रक्षा भी करती है, ठीक है। लद्दाखी जनसंख्या मुख्य रूप से तिब्बती, मध्य एशिया के धर्म एवं संस्कृति के समान बौद्ध हैं, ठीक है। फाह्यान ने लद्दाख को की आ छा और ह्वेनसांग ने मा लो फा, मालोफा। गाइज यहाँ से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी बन सकते हैं कि जो 2 दार्शनिक थे, फाह्यान यात्री और ह्वेनसांग, ये लद्दाख को किस भाषा से मतलब किस नाम से परिभाषित किया था। तो फाह्यान ने किया छा के नाम से बोला था इसको और ह्वेनसांग ने मालोफा के नाम से इसको संदर्भित किया था, ठीक है। बोली जाने वाली भाषाएं लद्दाखी, तिब्बती, उर्दू और बल्टी, ये 4 भाषाएं हैं जो कि तिब्बत में बोली जाती हैं, ठीक है। संगीत एवं नृत्य चाम या मुखौटा, लाहरना, जबरा, इस्पाओ, सोडोल, चार्ट सेस, मेटांक, स्टैंडमो, ठीक है। तो गाइज ये ऑप्शंस में दे देगा और किसी और भी कंफ्यूज करने के लिए डांस को दे देगा और पूछेगा इसमें से लद्दाख के नृत्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चाम या मुखौटा, लाहरना, जबरा, इस्पाओ, सोडोल, चार्टसेस और मेटांग स्टैनमो। ठीक है। लद्दाख के लोक संगीत में धार्मिक जप जैसे यांग जप शामिल है। ठीक है। इन लोग संगीत और नृत्यों के प्रदर्शन में उद्योग के लिए नृत्यों के प्रदर्शन में उपायों के लिए जाने वाले वाद्योपकरण दमन और सुरना और पिवांग हैं। ठीक है। लद्दाख के बौद्ध जप को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। गाइज ये मस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको प्लीज़ कहीं पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है कि लद्दाख के बौद्ध जप को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है। सो गाइज यहाँ के जो प्रसिद्ध मठ हैं लामायूरू, हेमिस, थिकसे, सी, अलची, लिकिर और फयांग। ये टोटल 7 यहाँ पर मठ हैं। ठीक है। प्रसिद्ध त्यौहार लोसर, हेमिसत्सु और साका डावा। ठीक है। ये 3 त्यौहार हैं। ठीक है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है प्राकृतिक पूंजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन। ठीक है। यानी नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशंस ऑफ द इकोसिस्टम सर्विस NCAVES इंडिया फोरम 2021। ठीक है। यानी प्राकृतिक पूंजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन इंडिया फोरम 2021 क्या है देख लेते हैं। ये जो NCAVES है यानी नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशंस ऑफ इकोसिस्टम सर्विस इंडिया फोरम 2021 का आयोजन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका जो गाइज आयोजन है NCAVES का, ठीक है, इसका आयोजन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। NCAVES परियोजना द्वारा ब्राज़ील, चीन, भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन के सिद्धांतों एवं व्यवहार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। सो गाइज यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है कि ये जो NCAVES इंडिया फोरम 2021 है, इसका आयोजन का क्या पर्पज़ है, तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन के सिद्धांतों में व्यवहार को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। नंबर 1, ये किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, समायोजित किया जा रहा है आयोजन को, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। यह यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है। सो गाइज नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशंस ऑफ द इकोसिस्टम किसके द्वारा वित्त पोषित है, तो वो है यूरोपीय संघ द्वारा यानी। ठीक है। इसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग UNSD, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और जैविक विविधता सम्मेलन CBD द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और जैविक विविधता सम्मेलन, इसके द्वारा इसको संयुक्त रूप से लागू किया जाता है। इस परियोजना में भागीदारी से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को UN सिस्टम फॉर एनवायरनमेंट इकोनॉमिक अकाउंट्स यानी सी फ्रेमवर्क के अनुरूप पर्यावरणीय खातों के संकलन को आरंभ करने और वर्ष 2018 से वार्षिक आधार पर अपने प्रकाशन इन्वेस्टेंस इंडिया में पर्यावरणीय लेखाओं को जारी करने में सहायता प्राप्त हुई है। ठीक है। ये प्राकृतिक पूंजी लेखांकन क्या, उसको देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक विश्लेषण को एकत्रित करता है। ठीक है। यह सकल घरेलू उत्पाद जैसे मानक उपायों की तुलना में विकास की प्रगति को एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, प्राकृतिक पूंजी में वे सभी संसाधन शामिल हैं जिसकी सरलता से पहचान और मापन किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए खनिज, ऊर्जा, काष्ठ, कृषि भूमि आदि अदृश्य संसाधनों में जैसे वायु, जल निस्यंदन, बाढ़ सुरक्षा, कार्बन भंडारण इत्यादि। ठीक है, सो गाइस जी देख लिया हमने क्या है, इसमें से 2 से 3 बातें बस इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है कि इसका NCAVES जो है यानी नेचुरल कैपिटल्स अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशंस ऑफ द इकोसिस्टम सर्विस, ठीक है, इसका कार्यान्वयन क्यों किया जा रहा है, किसके अंतर्गत किया जा रहा है, ठीक है, इसका वित्त पोषण कौन करता है, ठीक है, हमने देख लिया। सो गाइस हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आगामी 5 वर्षों में टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र यानी TOT मॉडल के तहत परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए जुटाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सार्वजनिक वित्त पोषित व परिचालन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का मुद्रीकरण करने के लिए अधिकृत है। वह वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने के पश्चात कम से कम 1 वर्ष से टोल एकत्र कर रही है। परियोजनाओं का प्रकरणवार TOT मॉडल के माध्यम से मुद्रीकरण कर रहा है। ठीक है, सो गाइस TOT क्या है यहाँ पे दिया है, देख लेते हैं। TOT ठीक है, टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र, ठीक है, टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र परिचालन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मुद्रीकरण के लिए एक मॉडल है। यह निवेशक लंबी अवधि के टोल संग्रह अधिकारों के प्रयुत्तर में एक मुश्त भुगतान करते हैं। ठीक है, इसे एक प्रभावशाली टोल संग्रह द्वारा समर्थन प्राप्त है। TOT के तहत उच्चतम बोलीदाता 30 वर्ष के लिए सड़क परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव का अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, इस अवधि के दौरान उसे इन परिसंपत्तियों में सृजित टोल राजस्व को प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, यह मॉडल निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक है क्योंकि इन्हें शून्य से अवसंरचना परियोजना विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती है। TOT मॉडल निर्माण, संचालन, हस्तांतरण में विद्यमान गंभीर जोखिम साझा कर निर्बलताओं को संशोधन करता है और नियमित रूप से निवेश के लिए कोष संग्रहित करता है। ठीक है, सो गाइज हमने देख लिया TOT क्या है। TOT माध्यम से गाइज किसी भी हाईवे के जो नेशनल हाईवे तो होते हैं, राज्य हाईवे होते हैं, इनको एक ऐसा संस्था होता है जो कि इन पे बोली लगाता है और इनको 30 सालों के लिए हायर करता है, अपने अथॉरिटी के अंदर लाता है और वहाँ पे अपने जो टोल प्लाजाएँ होती हैं उनका संग्रहण करता है, उनका मेंटेनेंस करता है। तो ये यहाँ पे TOT है। ठीक है, सो बिक्री से प्राप्त आय यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आगामी 5 वर्षों में टोल ऑपरेटेड ट्रांसफर TOT ने देख लिया। ठीक है, सो बिक्री से प्राप्त आय उदाहरण के लिए विनिवेश आय का उपयोग अतिरिक्त परिचालन हासिल करने, लागत को स्थिर करने या मौजूद परिसंपत्तियों को पुनरुद्धार, राजस्व उत्पादन में वृद्धि के लिए मौजूदा ऋण को चुकाने आदि में किया जा सकता है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी विभागों की परिसंपत्तियों को बृहद स्तर पर निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है: भूमि और इमारतें, ब्राउनफील्ड परिचालन और परिसंपत्तियों जैसे पाइपलाइन, सड़कें, मोबाइल टावर इत्यादि, वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे इक्विटी, शेयर, ऋण प्रतिभूतियां इत्यादि, विविध संपत्ति। ठीक है, मुद्रीकरण करने के अन्य तंत्र: टोल राजस्व का प्रतिभूतिकरण, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की स्थापना, यह एक म्यूचुअल फंड की भांति होता है। यह और संरचना की संभावित व्यक्तिगत संस्थागत निवेशकों के अल्प मात्रा में धन को प्रत्यक्ष निवेश करने में सक्षम बनाता है ताकि प्रतिफल के रूप में आय का एक लघु हिस्सा अर्जित किया जा सके। ठीक है, सो गाइस हमने देख लिया TOT क्या होता है। मैं यहाँ बस इस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट बस TOT है कि TOT क्या होता है। ठीक है, सो इसमें कुछ और ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। अब देख लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव उससे इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्टिव है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है? ठीक है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR हाल ही में डिजिटल भुगतान फर्मों द्वारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI और रुपए नेटवर्क पर होने वाले लेन देन पर एमडीआर की प्रतिपूर्ति की मांग की जा रही है। ठीक है, एमडीआर वस्तु लेन देन के दौरान व्यापारियों द्वारा बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को चुकाने वाली लागत होती है जो पीयर टू मर्चेंट भुगतान पर लागू होती है। 1 जनवरी 2020 से 50 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक कुल कारोबार करने वाले व्यवसायों को ग्राहकों या व्यापारियों पर कोई एमडीआर लगाए बिना ग्राहकों को कम लागत वाले डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान किए गए थे। ठीक है, सो देख लिएगा यहाँ पे मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। नेक्स्ट है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। हाल ही में रिपोर्ट को विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। सो गाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट यह है कि ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट है, ये कौन करता है रिलीज? ये करता है विश्व बैंक। ठीक है, रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या है? यदि यह मान लिया जाए कि कोविड-19 वैक्सीन का वितरण व्यापक स्तर पर किया जाएगा तो वर्ष 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4% का विस्तार होने की संभावना है। ठीक है, भारत में वर्ष 2020-21 में आउटपुट अर्थव्यवस्था में 9.6 की कमी की अनुमान है। यह घरेलू व्यय और निजी निवेश में तीव्र गिरावट को दर्शाता है। ठीक है, आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिए अधिकारियों को सतत विकास के उद्देश्य से एक पुनः निवेश चक्र को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है। साथ ही यह निवेश सरकारी ऋण पर अल्प रूप से निर्भर होना चाहिए। सो गाइज ये जो रिपोर्ट है, क्या बातें हैं, कैसी बातें हैं, कुछ नहीं आने वाला। बस यहाँ पर ये जानना आप कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट है ये विश्व बैंक रिलीज करता है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की चर्चा है तो वर्ल्ड बैंक को देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो 1944 में हुआ था। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है जो कि यूएसए की राजधानी है, कैपिटल है यूएसए की। ठीक है, तो 1944 में स्थापना हुआ था, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ये जो वाशिंगटन डीसी है वो यूएसए की राजधानी है। ठीक है, सुने देते हैं S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। ठीक है, रूस के साथ S-400 वायु रक्षा प्रणाली पर अमेरिकी प्रतिबंधों की संभावना के बीच भारत ने कहा है कि उसकी यह स्वतंत्र विदेश नीति है जो राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप रक्षा अधिग्रहण का मार्गदर्शन करती है। ठीक है, S-400 रूस की चौथी पीढ़ी की लंबी दूरी सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली है। यह मिसाइल प्रणाली एक स्तरित रक्षा यानी संलग्नतम कममिदब ठीक है तंत्र के सीजन के लिए 3 प्रकार की मिसाइलों को दागने में सक्षम है। यह प्रणाली 30 किमी तक की ऊंचाई पर 400 किमी की परास के भीतर वायुयान, मानव रहित विमान व बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों सहित सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को भेद सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पैथेलिक एनहाइड्राइड (पीए) क्या है? व्यापार उपचार महानिदेशालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड (डीजीटीआर) ने रूस से आयातित पैथेलिक एनहाइड्राइड पर अन्य 5 वर्षों के लिए डंपिंग रोधी प्रशुल्कों को जारी रखने की अनुशंसा की है। ठीक है, सो गाइज यहाँ जो डंपिंग शुल्क होते हैं ना, जो डंपिंग ड्यूटी होती है, देखो एक तो होता है कि जैसे मान लीजिए ये देश ए है, ये देश बी है, यहाँ से कोई सामान आ रहा है। ठीक है, तो इस पर एक तो होता है सीमा टैक्स, ठीक है, बाउंड्री टैक्स हो गया। ठीक है, ये जो डंपिंग होता है ना, ये जो उत्पाद हैं ये जिस प्राइस में आ रहा है ना उस प्राइस पे आप एक्स्ट्रा यहाँ पे ड्यूटी लगा देते हो। मतलब ये तो जो सीमा शुल्क लगा इस पे एक्स्ट्रा टैक्स और लगा देते हो। उसका कारण क्या है कि आप सीधे मना तो कर नहीं पाओगे, ठीक है। अगर मना को सीधे जाके दौड़ेंगे WTO के पास किस तरह हमारे उत्पादों को वो मना कर लेने से हमें बेचने नहीं दे रहे हैं। अगर हम WTO के हस्ताक्षरकर्ता देश हैं तो हमें उनके सामान को लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो हमें बेचना चाहते हैं तो ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इनके सामान को हरास किया जाए, इनके सामान को कम किया जाए, तो हम इन पर बाउंड्री टैक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा टैक्स और लगा देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब इनके टैक्स और लगा देंगे तो अब इनका जो मान लीजिए कोई सामान 5 रुपए का है, ठीक है, अब बाउंड्री टैक्स के साथ सीमा शुल्क के साथ ये हो गया 7 रुपए का, ठीक है ना। 7 रुपए के साथ हम सोचते हैं कि नहीं यार अब इनका ये जो सामान है ना अब हमारे देश में कम आए, ठीक है। क्यों इनके सामान की वजह से हमारे देश में जो उत्पाद हैं, जो देसी उत्पाद हैं, इनको कहीं ना कहीं हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। इनको घाटा हो रहा है, ठीक है। हमारा जो अपना राष्ट्रीय उत्पाद है, राष्ट्रीय हमारा जो मुनाफा है, हमारा जो राष्ट्रीय बाजार है, उसको घाटे का सामना करना पड़ रहा है। हम कहेंगे भैया एक इस पे ड्यूटी और लगा दो, ठीक है। उसको कहते हैं डंप ड्यूटी, ठीक है, डंपिंग ड्यूटी, डंपिंग टैक्स। तो अब ये सामान हो गया मान के चलिए 14 रुपये का। अब ये 14 रुपये का बिकेगा हमारे मार्केट में, और इसके मुकाबले में बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो कि हो सकता है 7 रुपये मिले, हो सकता है 8 रुपये मिले, 5 रुपये मिले, ठीक है। तो व्यक्ति तो इसको लेगा नहीं क्योंकि महंगा पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए डंपिंग ड्यूटी लगाया जाता है, ठीक है, ताकि इनके हमारे देश में जो आयात हो रहे हैं ना उनको कहीं ना कहीं एक प्रकार से ब्रेक किया जाए, उनको रोका जाए, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट देखते हैं गंगा डॉल्फिन। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ये कथित रूप से एक गंगा डॉल्फिन की हत्या कर रहे थे, ठीक है। गंगा डॉल्फिन गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मुख्य रूप से भारत बांग्लादेश में पाई जाती हैं, ठीक है। यह भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बिहार में भागलपुर के विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य में निमित की जा रही है, ठीक है। सो गाइज ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको कहीं नोट डाउन कर लेना कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बिहार में भागलपुर जिले के विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य में निमित की जा रही है। भारत में क्रिटिकली इंडेंजर्ड जलीय जीव है। गंगा सार्क, घड़ियाल, हम्पबैक, महासीर, इसको कोबरा कहते हैं, कावेरी नदी है गाइज। भारत में क्रिटिकली इंडेंजर्ड जलीय जीव हैं जो कि गंगा सार्क, घड़ियाल, चंबल नदी पाए जाते हैं, हम्पबैक, महासीर कावेरी नदी में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्याहगोश। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में स्याहगोश को भी शामिल किया है। इससे केंद्र प्रायोजित योजना वन्यजीव पर्यावास के समेकित विकास के तहत संरक्षण के प्रयासों को सक्षम करने में सहायता प्राप्त होगी। अब गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की पुनः वृद्धि कार्यक्रम के तहत 22 वन्यजीव प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है। स्याहगोश एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है जो राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। IUCN की स्थिति मुख्य रूप से अफ्रीका में इनकी अधिक संख्या होने के कारण इन्हें लिस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। दिल्ली सरकार ने कोंकणी भाषा अकादमी स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है। कोंकणी एक हिंदी यूरोपीय भाषा है। यह गोवा राज्य गोवा का राजभाषा है और महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल के तटीय क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, यह 5 लिपियों यथा रोमन, नागरी, कन्नड़, फारसी, अरबी और मलयालम में लिखी गई है। ठीक है, इसे वर्ष 1992 में मणिपुरी और नेपाली भाषा के साथ संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य भाषाएं क्या क्या हैं? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। सो गाइज, एक बात बता दें कि जो 8वीं अनुसूची में लोग चाहते हैं कि हमारी भाषाओं को सम्मिलित किया जाए, हालांकि इससे सम्मिलित होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है समाज में। ठीक है, न ही कोई भाषा प्रभाव पड़ता है, बस एक समुदाय संतुष्टि होती है कि हमारे भाषा को एक पहचान मिली है, संविधान में इसको डाला गया है, संविधान में इसको चिन्हित किया गया है, बस इसका तात्पर्य इतना ही है। इनको कोई मुनाफा, कोई बेनिफिट नहीं पहुंचता है। ठीक है, बस एक आत्मसंतुष्टि होती कि इनको एक राज्य भाषा घोषित किया गया, क्षेत्रीय भाषा घोषित किया गया है। हालांकि जो बातें चल रही हैं, जिस भाषा में कोई बात करता है, वो तो उस पर कोई प्रभाव तो पड़ता नहीं है। ठीक है, सो गाइज़, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपडेट रहने के लिए गाइज़ प्लीज़ वीडियो को